महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही सरकार बन चुकी है शिंदे गुट की, लेकिन इसके बावजूद भी एक के बाद एक पलटवार हमें देखने को मिल रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। महाराष्ट्र की सियासत में यहां पर आदित्य ठाकरे भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिंदे खेमे और उद्धव खेमे के बीच चुनाव चिन्ह के लिए सुप्रीम कोर्ट में जहां लड़ाई चल रही है, वहीं एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के पास अभी तक कोई कैबिनेट नहीं है। इस बीच शिवसेना नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे खेमे के विधायकों पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों के एक पुराने वीडियो को लेकर कहा कि जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, शिवसेना के बागी विधायकों ने गोवा के होटल में ऐसे नाच किया जैसे वे एक बार में थे। आपको बता दें, मध्य मुंबई के माही में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि यह अवैध है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की प्रगति को रोक दिया और उद्धव ठाकरे जैसे अच्छे आदमी को धोखा दिया। गुवाहाटी और गोवा में बागी विधायकों के व्यवहार की आलोचना करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर वे बागी विधायक असली शिवसेना कार्यकर्ता होते तो वे जमीन पर होते। असम प्रशासन को बाढ़ से निपटने में मदद करने के बजाय उनके होटल के कमरों से पहाड़ और हरियाली का आनंद नहीं ले रहे होते। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें देशद्रोही कहलाना पसंद नहीं है, लेकिन वे हमेशा देशद्रोही रहेंगे। गोवा में उन्होंने ऐसे डांस किया जैसे वे एक बार में थे। लगातार आदित्य ठाकरे शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं, शिंदे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी, और जिस तरीके से इन्होंने वीडियो शेयर कर यहाँ पर निशाना साधा, ये अपने आप में ही बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि शिंदे गुट अगर बात करने पर आया, इंटरव्यू देने पर आया, तो उनके क्या खुलासे रहते हैं उद्धव गुट पर, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।